पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद ऑल इंडिया फेडरेशन प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन की तरफ से 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि लखनऊ में हुए धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने कोटेदारों का एक मांग पत्र श्रीमान अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे को धरना स्थल पर हजारों कोटेदारों की उपस्थिति में लिखित रूप में प्रस्तुत किया था। इस संबंध में अपर आयुक्त महोदय ने कोटेदारों की मांगों को अतिशेष पूर्ण करने का मौखिक आश्वासन भी दिया, लेकिन संघर्ष समिति के पदाधिकारी और चेयरमैन अशोक मल्होत्रा ने कोटेदारों की मांगों को पूरा होने तक 21 नवंबर 2019 का खाद्यान्न उठाना बंद करने की घोषणा की। ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया, जिसमें कोटेदारों की लंबित मांगों और माह फरवरी 2019 का फायदा उठाने को कहा गया। अध्यक्ष अरुण माथुर ने बताया कि हमने 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं, अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को 200 रुपए से 250 रुपए प्रति कुंटल लाभांश दिया जाए, 5 रुपए मिट्टी का तेल थोक विक्रेताओं से पूर्ण मात्रा में उचित मूल्य पर दिलाया जाए, मृतक आश्रित व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व की भांति दुकानदारों को आश्रितों को दुकानें आवंटित की जाए, प्रदेश भर में दुकान पर लगाई गई ई पॉश मशीनें पूरी तरह से फेल है, उक्त मशीनों का सर्वर न आने से उपभोक्ताओं से विवाद उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में मैनुअल वितरण कराने के आदेश पारित किए जाए। मांगे ये है, हमारी 18 तारीख को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कोटेदार संघर्ष समिति ने एक मांग पत्र दिया था जो श्रीमान अपर आयुक्त को दिया था, उनको हमने अपनी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, जिसमें हमारी लंबित मांगे मुख्य हैं, अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को भी 200 से 250 रुपये प्रति कुंटल लाभांश दिया जाए, 25 से 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए, उत्तर प्रदेश के समस्त दुकानदारों को खाद्यान्न डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से पूरी मात्रा में तोलकर तथा बारदाने का खाली बोरे का वजन घटाकर दिलाया जाए, यह आदेश केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश का भी है, इसका कड़ाई से पालन किया जाए तथा पूर्व की भांति प्रति क्विंटल 1 किलो छीजन दी जाए तथा मिट्टी के तेल में भी शासनादेश दिलाई जाए, उसमें भी छीजन, मिट्टी का तेल थोक विक्रेताओं से पूर्ण मात्रा व उचित मूल्य पर दिलाया जाए, मृतक आश्रित व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व की भांति दुकानदारों को आश्रितों को दुकानें आवंटित की जाए, उत्तर उचित दर विक्रेताओं पर दर्ज कराए गए अभियोगों की जाँच अभी जारी है, जांच पूरी होने तक उचित दर विक्रेताओं की निलंबित दुकानों की निरस्तीकरण की कार्रवाई अभी ना की जाए, अपितु निष्पक्ष विभागीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए एवं निर्दोष उचित दर विक्रेताओं की दुकानें पुनः संचालित कराने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रदेश भर में ई दिन जो है, अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम रहेगा आपका? हम 21 तारीख से आज से उठान पूरा तरह से माह फरवरी का होने वाला उठान का बहिष्कार करेंगे, उठान नहीं करेंगे, माह फरवरी में वितरण भी ठप्प कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।